कंडीबा, ठीक है, नहीं रहेंगे ना, दवा लाने चलेंगे। हाँ अपन 11 बजे दवा हॉस्पिटल खुलेगा ना, अपन जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलना। हाँ बराबर, अच्छा। हाँ पैर पे खड़े रहिए, सब रह रही है, बस उठे नहीं रही है। तो नानी क्या बोल रहे, नाश्ता करेंगे? नाश्ता नाश्ता करेंगे ना, बाबू देंगे नाश्ते को। पार्टी माँ, तेरा अपन क्या लाए रे, नवी चीज क्या लाए तेरा अपन आज, कुछ नहीं लाए नवी। क्या लेकर आया था मैं? मेरी फातिमा को वो खाने का, मूंगफली खाने का बोल रही थी। मूंगफली? अरे ना, हमारे पास इतनी सारी मूंगफली बोल रही। बोलती अब्बा मेरे वास्ते मूंगफली लेकर आना है ना। नानी को बोलो, नानी दे दो मुझे मूंगफली, दे दो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मूंगफली खाएंगे, कुछ बोल ही नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखे फातिमा को, फातिमा रो रही है, नानी से बात कर रही है, और हम लोग ये सब कितने बजे कर रहे हैं बताएं, 9:30 बजे सुबह में, क्योंकि रात में कल 3 बजे ये बचकानी ना पता नहीं कब पलंग पे गई, कब क्या करती है कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो पलंग पे सो रही थी रात में, 3 बजे ना पलंग से गिरी ना, तो उसका जो लेफ्ट साइड का शोल्डर है ना, यहाँ पर उसको लग गया, तो वो दुख रहा है उसको, पता नहीं अभी क्या हुआ है, क्या नहीं, फ्रैक्चर हुआ है या अल्लाह बेहतर जाने, इतना बड़ा चीज़ तो ना हो। तो वो लेफ्ट साइड का हाथ ना उठा नहीं रही है, तो इसी वजह से हम लोग रात में ना जब इसको लगा ना, तो थोड़ा बहुत रोई, मैंने मालिश वगैरह किया, फिर भाई को बोली थी अब्बू अपने पास लेके सो मुझे, तो उसको अपने पास ही लेके सोया, लेकिन जब उठी नहीं है, तो उठने के बाद कुछ ज़्यादा रो रही है रात के मुकाबले में। रात में बहुत कम रोई थी, अभी बहुत ज़्यादा रो रही है, शायद अभी नींद खुलने के बाद भी ज़्यादा तकलीफ हो रही रहेगी इसी वजह से। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, 11 बजे तक डॉक्टर आते हैं इंशाल्लाह, तो अपन पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर अगर एक्सरा वगैरह लिख के दिया तो अपन एक्सरा भी करवा लेंगे, ठीक है। और ये देख, मैंने जो रखा था ना पत्थर पलंग के नीचे, तो फटाफट मैंने इसको हटा दिया, अब मेरा पलंग वापस छोटा हो गया, ताकि बच्चे लोग ऊपर और जा सके, क्योंकि उन लोग को रोक तो सकते नहीं है भाई, तो इस वजह से अपने को इंतज़ाम करना पड़ेगा खुद ही। तो मैंने कुछ वजह से ऊपर किया था, लेकिन ऊपर नीचे इतना सी फ़र्क रहता, उतने में कुछ नहीं, लेकिन जो चीज़ होने वाली रहती ना वो होके दे जाती, चाहे वो कितने भी बजे, रात के 3 बजे ये सब हुआ है, अपने तो सोच भी नहीं सकते, अपन गुमान भी नहीं कर सकते कि ये सब होगा। अल्लाह खैर फरमाए। फातिमा बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे, दुख रहा है हाथ, ऐसा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसा करो ना, नहीं नहीं उठ रहा मेरे बच्चे का हाथ, भाई सताना नहीं, आपा को सताना नहीं, आपा की तबीयत नहीं सही है, नहीं सताओ, चलो उठाओ ज़रा इसको, नहीं मेरा बच्चा, नहीं कोई नहीं सताएगा तुम्हारा, कोई नहीं सताएगा, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये उसके उधर ही छू रहा है, नहीं मेरा बच्चा, अभी मालिश किया मैंने उसके, वापस सुकून तो अच्छा, नहीं मेरा बच्चा, नहीं रहो, ठीक है, अपन चलते हैं दवा लाने के लिए, ठीक है, उससे पहले नाश्ता वाश्ता करेंगे ना, नाश्ता कर लेंगे ना, चलो नाश्ता। इसके नानी को फ़ोन लगाया तो नानी भी रोने लग गए, ये भी रोने लग गए, पागल रो रहे क्यों है, बच्चे लोग के साथ होते रहता है ये सब, समझे, पर टेंशन मत लो, बच्चे मस्ती करेंगे, ये सब करेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, तो टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ दुआ करो। तो अभी नाश्ता करने बैठे हैं हम लोग, और नींद आ रही है उसको, सोने तो सोने, जितना सोएगा ना उतना अच्छा। अभी ना तो गैस, अभी 11 बज गए हैं और हमारा नाश्ता वाश्ता सब करके हो गया था पहले ही, मैं सोच रहा हूँ फातिमा को उठाओ कि नहीं उठाओ, क्योंकि वो एकदम प्यारी से नींद में सो रही है, रुचो सोने दो, सो उठाएंगे ना और रहेगी। तुम्हारे को सबसे पहले खाना बनाने का सामान लगे, तो क्या क्या लगे थे तुम बताओ? चावल, दो की खाना बनाने का सामान लेकर आ गया हूँ मैं। मुए मुबारक की ज़्यारत करवाई जा रही है ख़वातीन के लिए, ख़वातीन का 11 बजे होएगा और इस्लामी भाइयों का जोहर की नमाज के बाद में, तो सौलिया जाएंगे ना, नीचे वाले पप्पू जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे। तो मैं दुकान पे गया था सामान लेने के लिए, तो मन्नी भाई को मैंने बताया, मन्नी भाई बोलते हैं कि एक्सरे वगैरह जो भी है मत करवा, जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना रफीक अंकल के वहाँ, बोलते डायरेक्ट उसको दिखा दे, वो 2-3 बार में सही कर देंगे। तो मैं भी सोचा चलो अभी जाके, अरे उनके पास इतना टैलेंट है ना, हाथ लगाते हैं ना पता चल जाता है, हड्डी सरखी है थोड़ी सी, हाँ तभी तो दुख रहा है, वो टूटी वूटी कुछ भी नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो आराम से कर देंगे, मालिश वाले बोलते तो फेमस है भाई, कितने दूर दूर से आते हैं उनके पास।
तो रोएगी ना भाई, एक्सरे भी कराएंगे तो भी रोएगी, मालिश कर मालिश कराने ले जाएंगे तो भी रोएगी, रोना तो कंपलसरी है। हाँ मालिश करते हैं तो उनके पास ही ले। फातिमा कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है अभी, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ यार, वो अपन गिरते ना तो ऐसा लगता ना दर्द, फिर भी अपन जाके दिखा डालेंगे अंकल को। हाँ मुनी मुनी क्या मुनी मुनी, तो सलिया रेडी हो गए तुम? हाँ। चलो ठीक है जाओ तुम, और हम लोग का जोहर की नमाज के बाद है, अल्लाह हाफिज़। जो नीचे पप्पो को ले लो और साथ में चले जाओ, ठीक है? इधर बाजू में ज़्यादा दूर नहीं है, ये मस्जिद दिख रही ना, अबे घर के पास नहीं है मस्जिद, दिख रही है मस्जिद उसके सामने ही है। ए बुगी बुगी बुगी, ए बुगी क्या हो बुगी, आओ बुगी बुगी आओ गोदी में, आओ अबू के पास आओ। कैसे बाय बोल रहा है तुमको? बाय 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 कर दो, बाय कर दो मम्मी को, टाटा। अभी ना उसको मैं मोहरी में लेके गया था टॉयलेट करने के लिए, वहाँ पर टॉयलेट नहीं किया और यहाँ पर बैठ के देखो इसने कर दिया है। ये गंदे माशाल्लाह, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत मस्त था माशाल्लाह। देखिए दूरबीन से देखे ना, चल अच्छी बात है। तुम कैसे मालूम? देख चुका हूँ ना। और तुम फर्स्ट टाइम देखे? हाँ। पहली बार जिंदगी में, पहली बार, क्या बात है माशाल्लाह। हम लोग के इधर ना मतलब बोला जाता, बयान करा जाता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहली फर्स्ट है माशाल्लाह। तो सालिहा ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मुए मुबारक की ज़ियारत किए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, एक नंबर। अगले साल फिर आएगा तब जाना, ठीक है? और इस्तेमाल भी चलेगा, इस्तेमाल भी जाना औरत लोग का। उधर बाजू में जहाँ पे गए ना उसके जस्ट बाजू में स्टार्ट होने वाला है, 2-3 महीना लगेगा इंशाल्लाह, बन रहा है अभी वो, तो उसके बाद में सालिया वहाँ पर भी जाएंगे इंशाल्लाह। मैं सोचा ना मालिश भी करा लेता हूँ और अपने एक बार डॉक्टर को भी दिखा लेता हूँ क्या मसला है क्या नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फातिमा को लेके दवा खाना, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। अगर दवा से हो गया अच्छा तो अच्छी बात है, वरना फिर अपन अंकल से मालिश भी करवा लें, या एक्सरे वगैरह अगर निकालने बोला तो अपन वो भी निकलवा लें आराम से, आराम से, आराम से मेरा बच्चा, आराम से बेटा, ठीक है? नहीं रोना, अच्छी बच्ची है ना, उसको दर्द ज़्यादा, इसलिए मुट्ठी भी बंद रखी। रफीक भाई फंसक गया था, मेरे बेटे आया था ना उसका, उन्होंने जगह पे बिठा के पट्टा मार के दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हकीम साहब के पास ले गया, बेहतर रहेगा, सबसे बेस्ट है ना, दवा खाना फिर एक्सरे वगैरह करवा। वो खाली लंबी कहानी भाई, प्लास्टर व्लास्टर मार के जब इसी बच्चे को 15 दिन परेशान, वो बात पूरा वाट लग जाएगी उसके, उससे बेहतर है हकीमी इलाज में क्या 2 दिन में हो जाएगा। चलेगा ठीक, हाथ ऊपर करो बेटा। फोन चाहिए आपको? ले लो फोन, ले लो फोन, ले लो लो फोन, लो ले लो फोन, ले लो। माशाल्लाह अपने रिजवान भाई ने भी आइडिया दिया है, बोले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना तो वही एक्सरे एक्सरे मरवा के, पट्टी इट्टी मरवा के बेचारी बच्ची को इतना बड़ा प्लस्तर मार देंगे, तो बोले हकीम को दिखाओ सही रहेगा। तो अपन रफीक अंकल के पास ही जाते हैं, पहले देखते हैं। अभी अभी तो 1 बज रहे, अभी नहीं आएंगे, 4 बजे, 4:30 या 4:30 बजे आएंगे, तो मैं अभी से जाके आंटी को बोल देता हूँ कि पहला नंबर मेरा ही रहेगा भाई, तो फिर अपन आ जाएंगे स्कूल लेके बच्ची को। फातिमा ये लो कैमरा पकड़ लो, वीडियो बनाओ, पकड़ो ना वीडियो बनाओ ना, हाथ ही नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर मेरा काम भी चालू है ना, तो आंटी को बोलता था कि काम पे नहीं आ पाऊँगा मैं, तो बोल भी देंगे और पूछ भी लेंगे कब तक आने का, कब तक है ना फातिमा, पर ऊपर ही कर दिया ना बैठे बैठे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर 3:30-4 बजे तक आएंगे। हाँ चलेगा ना फातिमा, यहाँ पर देखो अब्बू काम कर रहे थे ना, अब्बू का काम सब पड़ा हुआ है, स्टूल विस्टूल सब कहाँ है। हाँ यहाँ चलो आंटी। अरे वाह फातिमा का दोस्त आ रहा है फातिमा के पास। फातिमा दोस्त है ना तुम्हारा? क्या है? तोता है तोता, अपन ठीक हो जाएंगे हाँ जल्दी जल्दी, ठीक है? हाँ आंटी को जजाकल्ला बोलो। क्या नहीं कुछ, सिर्फ दूध पी रही, कुछ खा रही भी नहीं, सिर्फ दूध चाहिए उसको, बस उठ ही नहीं रही है, अभी तो कपड़ा पहना के उठा के लेकर आया, लेटी के लेटी से दुख रहा है बाबू, दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, बता तो कहाँ पे दुख रहा है। मैंने भी सुबह से कुछ करी नहीं, मेरे को अलग घबराहट हो रही, बोलो। हाँ मलमल, पानी दे दो मेरे को, पानी दे दो। चलो जोहर की अजान हो गई है, चलते हैं
जोहर की नमाज पढ़ कर आते हैं। कर लो। हाँ कर लो ना यार बिंदास, तुम पूछते क्यों हो? मेरे फ्रेंड लोग को सोचेंगे, काय के लोग सोचेंगे, तुम्हारा घर है ये, तुम कुछ नहीं, भी करो। बोलेंगे बच्चे की तबीयत सही नहीं, माँ नाश्ता कर। नहीं नहीं अबे पागल है, बच्चे की तबीयत सही नहीं तो खाना पीना छोड़ देंगे क्या? अपन अपने अंदर जान रहेगी तभी तो बच्चे लोग को देखभाल करेंगे ना अच्छे से। सोले आप बहुत सोचते हैं बहुत। अबे अगर तुम खाएंगे पियेंगे नहीं, देखिए कमजोरी आएगी बदन में तो उसको कैसे संभालेंगे? देखिए खाना मतलब कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो घर का काम आएगा, बच्चे पे ध्यान दिए जाएंगे, खाना नहीं जाएंगे पेट में तो हाथ पैर में कमजोरी आएंगी, घर का काम नहीं। सुबह से मैं भी सिर्फ एक ही रोटी खाया और अभी आते तो करो ना सा ध्यान दो बच्चों लोग। और ऐसे वक्त पे ना ये बहुत ज्यादा ही सताता है। क्या बोल रहे? छोटे जब तक संभाल ले। हाँ ये बात तो सही है, छोटे जब तक। हाँ इंशाल्लाह चलो कोई एक्स्ट्रा देना चाहिए ना अपने अपने घर में। एक गिलास और दो पानी। हाँ दे दो, नहीं पीजिए तो दे दो। हाँ चलो एक एक्स्ट्रा आदमी देना चाहिए अपने घर पे। हाँ बच्चे संभाल ले, जैसे तुम बच्चे लोग को संभालते हो, घर का काम कर लेते हो, तुम घर का काम कर लेते हो, बच्चे लोग को संभाल लेते हो, जैसे जो भी है। अभी कोई नहीं मिलेगा अपन दोनों को, जो भी है करने का। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। चलो ना बाबू खाना खा लो। खाते नहीं क्यों? फातिमा भाई के साथ खेल रहे क्यों सता रहे? बहन को सता रहा है, कंपनी दे रहा है, कंपनी को बोला मेरी बहन तू टेंशन मत ले जल्दी तू जाएगी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। फातिमा भाई को पा ले, पा दे दो, पा बहन को पा दे दो, पा दे दो। मरहबा 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 बेटा, हाथ उठा बेटा, ऐसा हाथ ऊपर। फातिमा कौन आया है? पापा है, बड़ी अम्मी आए ना, बड़ी अम्मी शबाना बड़े मम्मी आए। बड़ा बोले क्या उसका हाथ थोड़ा खा सके इस आधा दो जी। रात में 3 बजे हाथ नहीं उठा पा रही, अगर हड्डी वगैरह टूटती ना तो बर्दाश्त भी नहीं करती थी, नॉर्मली सिर्फ हुआ है बस। हाँ नस भी कुछ हुआ रहेगा, पर फिर भी अक्सर अक्सर निकालता ना भाई, आपको शताब्दी जाना चाहिए। अभी मालिश वाला क्या बोलता है ठीक है, एक बार मालिश करवा देता हूँ। आंटी बोले आराम आराम से करेगा टेंशन। मालिश उतार के जब तक उसको कुछ राय का तेल या वो माला सब तेल से हां जी सुनो मालिश वाले तो बोलना बोलना भाई थोड़ा आराम आराम से, खुद ही आराम से करेगा मालिश। अच्छी है बोलना उसको मत तो करना, कोई बड़ों को करे चल जाता बड़े पड़ता है। नहीं नहीं करेगा आराम आराम से मालिश, इतने साल से थोड़ी ना इतना वो बने। ए आँख में क्यों डाल रहा भाई की उंगली? आँख में उंगली डाल रहा पर रो रहा बेटा, तुम भी रो रहे थे ना, आप नहीं रोना ठीक है, भाई आ गया है ना, डालो जरा उसको बाजू में सुलो। नन्नू बाबू आया ना मिलने के लिए, नन्नू बाबू उसको ऐसे खड़ा करके उसका हाथ ऐसे ऊपर करवा, नहीं करे हाथ हाथ मुट्ठी बना के रखिए, नहीं करिए बट तुम ट्राई करो। मैं मिलने के लिए आए माशाल्लाह, क्या हुआ मेरी बेटी से? मैं मिलने आई, इतना अच्छा टी शर्ट पहनी, कौन लाया ये टी शर्ट? आओ मेरे पास गोद में आ जा मेरा बच्चा। क्या हुआ मेरा बेटा, ऐसे नाजुक बच्चे नहीं बनते ना मम्मा। अच्छी बच्ची ना फातिमा, स्ट्रांग है ना एकदम, इतने अच्छे अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चूड़ी है। हाँ यार इतनी अच्छी है, मेहंदी लगाओ मेहंदी इसको लाके। हाँ मेहंदी मेहंदी लगाओ बेटी, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा मैंने तो नहीं देखी है गाड़ी को। अच्छा अच्छा नहीं नहीं परेशान मत करो मेरे बच्चे को, बहुत अच्छे कपड़े मेरे बच्चे के। चले गाने सीधा सुनो ऐसे तेरा मत। हां वो खुद ही टेढ़ा हो, सो जा लेटने का बिट्टू, लेट जा अभी, कुछ नहीं सीखा सिर्फ ना सिर्फ उसको दर्द है हाथ में, बस दुख रहा है ना दर्द है। अब कुछ नहीं मान को, हां तो उसको मुक्का मार बोलते ना धक्का मार वाला, ओ हुआ होएगा बच्चे को, छोटा बच्चा है। बाकी सरकार का रहता तो भाई अभी तक एकदम तड़तड़ा जाती थी, तो मेरी बहन माले पे से गिरी थी, जगह पे हड्डी टूटी थी, ग्लोस थी कितना। अरे अम्मा तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारा ना खाना सब खा के हो गया और अभी बच गए हैं 3। चलिए चलते हैं वहाँ पर ना नंबर लगा कर आते हैं, क्योंकि वो मैं आया था यहाँ पर बोलने के लिए 4 बजे आ जाऊँगा और पहला नंबर मेरा ही रहेगा। देखो भाई बैठे बैठे मैंने अपना काम बढ़ा के ले लिया, मैंने ना क्या बोलते झंडे के लिए रस्सी का बम्बू ने रस्सी लगी थी बम्बू में, तो मैं उससे काट रहा था ना, तो ये देखो अपना हाथ भी काट लिया मैंने। और वो सब बताऊँ फातिमा खाना खाएंगे तो बेटा चलेंगे देर तक तुम ठीक है, अभी 4 बज गए हैं और फातिमा को देखो नखरे कर रही है चलने में। चलो बेटा दवा खाना हाँ दवा लेकर आएंगे, चलो पकड़ो ठीक है, चलो हाँ पकड़ लो सब अच्छे से, चलते हैं।
जल्दी। नहीं कोई नहीं मारेगा बेटा, अब्बू है ना तुम्हारे साथ, अब्बू के रहते हुए कौन तुम्हारे को छू सकता है भला बताओ। हाँ कोई नहीं मारेगा, ठीक है चलो चलते। नहीं कोई नहीं बेटा, चलो दवा लेकर आएंगे अच्छे से, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे ना, फिर अच्छे से चलना है, आपको घूमू करने जाएंगे ना। तो वजन करने थोड़ी ना है बेटा, आप यहाँ पे दवा लेने आए ना। हाँ वजन नहीं करने का यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो बैठते हैं यहाँ पर, इसको लगा के दिया हो ताकि रोए ना। कुछ भी नहीं है, अंकल अच्छा कर देंगे। मार लगा है ना, क्या कहना पड़े? हाँ क्या मारना? अच्छा अच्छा पट्टी मारना पड़ेगा सर, बाकी ऐसा कुछ तो टेंशन नहीं है ना। ओके हाथी तो उठा रही है अभी, हल्का हल्का उठा रही है, मार लग गया सर। अच्छा 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 वही पट्टी उट्टी लगा देंगे। A few moments later. अंकल आ गए हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कौन आ गए ना अंदर? एक कितना दुख रहा है देख रहे हैं, एक कितना दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। इसे इसको एक रूम में दिया गया, एक रूम में भी सूजन आ गया। हाँ तेल है, तेल है मेरा बच्चा, तेल है, तेल। हाँ तेल है, तेल 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 हो गया। ओके बाद में अपन घर पे चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलते हैं अपना, इसका ना वो कुछ तो उखड़ गया था तो उसको बैठा दिया अंकल ने, और पट्टी भी मार दिए हैं, बोले बस दो तीन दिन तक हाथ ना इसको क्या बोलते झटके से उठाना नहीं, एकदम नॉर्मली पकड़ के उठाना, पहले बात तो वाला हाथ छूना ही नहीं बोले ज़रा से भी, छुएंगे तो फिर वापस उखड़ जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, तो इसी वजह से ध्यान रखना है अपने को। अंकल ने फंसा दिया, चलो चलते फिर मेरा बच्चा। तो अभी उसको ऐसे ही रखूँगा, कपड़ा नहीं पहनाऊँगा, कपड़ा पहनाने में फिर हाथ ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो फिर बहुत मसले हो जाएंगे पता। चलिए चलते घर पर। हाँ बेटा अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है अपना ध्यान रखना, हाथ झटके से नहीं उठाना, हाँ ठीक है। चलो पट्टी वगैरह मार के वो कर दिए हैं, अब इसको ले ध्यान रखना, हाथ भी खींचना नहीं, पकड़ो खड़े रहो बेटा, कपड़ा निकालो, निकालो कपड़ा, और कपड़े मत पहना उसको, ऐसे रहने दो। प्लास्टर चढ़ा? प्लास्टर थोड़ी नहीं पागल, क्या है वो? पट्टी बांधे। हाँ जल्दी जल्दी दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ, बोलो। अल्लाह अकबर, आप सबकी लाडली प्यारी फातिमा देखो आज। हाँ क्या, अगर अभी उसको झटके से हाथ खींचे ना तो अभी बैठा दिए हैं, वो कर दिए पट्टी मार दिए। अरे वो कैसा, बहुत अगर उनका तरीका अलग रहता है सबका अपना, जब बिठाया ना उसका तो हाथ ऐसे उठा रही थी। अभी ध्यान रखना ठीक है, पट्टी उट्टी निकालना नहीं है, दो तीन दिन तक उसको कुछ भी मत करो, वो अच्छा जब बैठ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जॉइंट उखड़ गई थी, जॉइंट जॉइंट रही थी ना वो खड़ गया था, क्योंकि गिरी तो पूरा लोड इस पर पड़ा ना, और हाथ ऐसा था उसका। फातिमा बेटी कैसे हो, कैसे हो? हाँ डॉक्टर ने तेल लगाया और हाथ जोड़े। अच्छा और पट्टी लगा दिए ना, कब तक नहीं निकालने बोले पट्टी आपको? हाँ अच्छा हाँ। पट्टी नहीं लगा निकालने का ना बेटा अभी, हाँ। तीन दिन तक पट्टी नहीं निकालने का, ठीक है। और कोई भी खोलेगा ना पट्टी तुम्हारे हाथ के पास आएगा ना, उसको बोलना दूर हटो मेरा हाथ में छू ना, मेरा हाथ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा बोलेंगे ना, है ना। तो अभी ना इसको कपड़े वगैरह नहीं पहनाए हैं, ऐसी पट्टी में रख रहे, कपड़े पहनाएंगे ना फिर
हाथ पे दुपट्टा नीचे हो जाएगा, फिर लेने के दिन हो जाएंगे। इसी वजह से सबको सलाम कर दो। वालेकुम अस्सलाम। बोला मैं अच्छी हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है? हाँ ये वाला हाथ पे दुपट्टा रुक जाए। तुम भी खेलेंगे खिलौना लेकर आऊंगा मैं।